दोस्तों, अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में डोमेन यूजर्स के लिए लॉग ऑन आवर्स कैसे सेट करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लॉग ऑन आवर्स को सेट करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लॉग ऑन आवर्स एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट में कोई भी डोमेन यूजर क्रिएट करते हैं, तो डोमेन यूजर को बाय डिफॉल्ट 24/7 आवर्स लॉगिन होने के लिए बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है कि वो किसी भी क्लाइंट मशीन से जाकर जस्ट उसे अपना यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करना होता है और वो अपने अकाउंट को किसी भी क्लाइंट मशीन से लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर जो है वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर ही अपने अकाउंट को लॉगिन कर सके, जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास में एक यथार्थ नाम का यूजर है, मैं चाहता हूं कि यथार्थ नाम का जो यूजर है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही लॉगिन कर सके, इसके अलावा वो किसी भी अनदर टाइम पर वो लॉगिन ना कर सके। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग सेट करते हैं लॉग ऑन आवर्स, और वो कैसे सेट करते हैं वो देखिए जरा दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, अभी इस क्लाइंट वन नाम की मशीन पर मैंने ऑलरेडी यथार्थ नाम के यूजर से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, और यथार्थ नाम के यूजर से लॉगिन किया हुआ है। और अगर आप किसी भी डोमेन यूजर पर लॉग ऑन आवर सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको डीसी वाली मशीन पर जाना होगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये देखिए सही। तो हम लोग यहां पर डीसी वाली मशीन पर पहुंचे, जहां पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और अगर मैं यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स ओपन करता हूं, तो यहां पर हमारे पास में बहुत सारे डोमेन यूजर अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूं यथार्थ नाम के यूजर पर लॉग ऑन आवर सेट करना। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, लॉग ऑन आवर्स जो सेट होते हैं वो डीसी की क्लॉक के अकॉर्डिंग ही सेट होते हैं, यानी कि जो अभी डीसी मशीन पर टाइमिंग अवेलेबल है उसी हिसाब से या डीसी की क्लॉक के अकॉर्डिंग ही सेट होता है आपका लॉग ऑन आवर्स। अभी अगर आप यहां पर देखें, डीसी मशीन पर 2:53 हुए हैं इवनिंग के, तो अब मैं लॉग ऑन आवर सेट करने के लिए जिस भी यूजर पर आप लॉग ऑन आवर सेट करना चाहते हैं उस यूजर पर आप राइट क्लिक कीजिएगा और उस यूजर की प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद दोस्तों यहां पर मिलेगा आपको अकाउंट टैब। अकाउंट टैब में जाने के बाद यहां पर मिलेगा आपको लॉग ऑन आवर्स टैब, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लू शेड आपको दिखाई दे रहा है ये आपको लॉग ऑन परमिट है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 24/7 आवर्स बाय डिफॉल्ट सभी डोमेन यूजर को लोकली लॉग इन होने के लिए बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है किसी भी क्लाइंट मशीन से। तो मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले मैं लॉग ऑन डिनाई करता हूं। अब ये यथार्थ नाम का जो यूजर है ये किसी भी क्लाइंट मशीन से लॉगिन नहीं कर पाएगा अपने अकाउंट से। लेकिन अगर आप किसी भी डोमेन यूजर को लॉगिन होने के लिए परमिशन देना चाहते हैं, अब देखिए मैं चाहता हूं कि जो यथार्थ नाम का यूजर है वो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक अपने अकाउंट को लॉगिन कर सके, इसके अलावा किसी भी टाइम पर यह लॉगिन ना कर सके। अभी मैंने क्या डिसाइड किया है, यहां पर आप संडे टू सैटरडे,
रात को 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ही ये लॉग इन कर पाएगा। यहां से जो भी आप शेड्यूल डिफाइन करना चाहें या लॉग ऑन आवर सेट करना चाहें वो आप लॉग ऑन आवर सेट कर सकते हो। देन आप ओके पर क्लिक कीजिएगा, अगेन अप्लाई एंड ओके। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी डोमेन यूजर के लिए लॉग ऑन आवर सेट करते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक बार क्लाइंट मशीन पर चलते हैं, जिस पर मैंने अभी यथार्थ नाम के यूजर को लॉग इन किया हुआ है। तो मैं एक बार ऐसा करता हूं, इसको लॉग ऑफ करके दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश करता हूं। लॉग इन करते हैं, जरा टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यथार्थ नाम का जो यूजर है वो लॉग इन हो चुका है। और क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जब भी हम लोग डीसी मशीन पर कुछ भी एडिटिंग मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो क्लाइंट मशीन पर अपडेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, जिस वजह से ये अभी लॉग इन हो रहा है, क्योंकि जो भी डीसी मशीन पर हमने चेंजेस किए हैं वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं क्लाइंट मशीन के साथ में। तो दोबारा से एक बार लॉग ऑफ करके दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं यथार्थ नाम के यूजर को। और ये देखे दोस्तों, यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है, योर अकाउंट हैज टाइम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आपका जो अकाउंट है उस पर टाइम रिस्ट्रिक्शन है लॉग इन होने के लिए, क्योंकि मैंने डीसी मशीन से रात को 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मैंने लॉग ऑन आर प्रोवाइड किए थे यथार्थ नाम के यूजर को। तो वो केवल रात को 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ही लॉग इन कर सकता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी डोमेन यूजर पर लॉग ऑन आवर्स सेट कर सकते हैं।